बंगाल में जो है ना इंडो साउथ कोरिया भाई कैसे रहा है आज उत्तर भारत का अच्छा उत्तर भारत के खिलाफ इधर खींच कर रहे हैं ठीक है पास से खींचना पास वाला पूरा पकड़ ये तो झांकी है एक से एक वीडियो है राज्यपाल रो रहा है ये हालत देखो तो वो भी मीटिंग में बैठे हैं क्या कोई नहीं है क्या एडिशनल कलेक्टर नंदू मेजर पहले वीडियो ले लो पहले वीडियो ले लीजिए एक और पकड़ लीजिए चलो ना मैं बात सर मैं हाँ हाँ चक्रवात है चक्रवात है संभालो अपने देश को रे दुश्मनों की घात है संभालो अपने देश को रे दुश्मनों की घात है गगन में गड़गड़ाहटे धरा पे चक्रवात है गगन में गड़गड़ाहटे धरा पे चक्रवात है अग्न मन है त्रस्त तन है तिक्त जन हुआ त्रस्त तन है तिक्त जन हुआ पूर्व दिश की एक राहे घुमड़ता धुआं धुआं तो थाम लो मसाल तो कराल काली रात है थाम लो मसाल तो कराल काली रात है एकात्म देश भिन्न वेश सब तरंग है एकात्म देश भिन्न वेश सब तरंग है दिव्य रवि की रश्मिया सुजल तरंग है वो गेट बाहर है ना चाय हुई है उसका पूरा विवरण है लेकिन वहाँ एक भी FIR नहीं इतने लोगों का घर जला उसका पूरा विवरण है एक भी FIR नहीं हो रही कुछ नहीं हो रही देश में अलोकतांत्रिक गतिविधियां मात्र इसलिए कि चुनाव में किसी की हार और किसी की जीत हुई है और ये लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है लेकिन ऐसी घटना भारत में कभी नहीं हुई है इसलिए हम सब यह मांग करते हैं कि इस देश के अंदर जो घटित हो रही है देश को विभाजन के कगार पर खड़ा किया गया है ऐसे स्थिति में हम महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और तुरंत उनके ऊपर अरेस्ट किया जाए और वहां शांति व्यवस्था कायम की जाए ये हमारे अध्यक्ष हैं श्री महेश उत्तलवार जी कर दो ना वाचन अरुण वाचन कर दो प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत राज्य राष्ट्रपति भवन द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ राज्य राजभवन रायपुर बंगाल में समूह विशेष पर लगातार हो रही हिंसा लूट और हत्या पर कठोर कार्यवाही और पीड़ितों के साथ न्याय की प्रार्थना हेतु पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी सादर नमस्कार कामना करते हैं आप कुशल होंगे हम छत्तीसगढ़ के नागरिक बीते कुछ समय से पश्चिम बंगाल में घट रही घटनाओं से व्यथित हैं इस माह के पहले सप्ताह की दूसरी तारीख को देश के चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए नतीजों के आने के बाद बाकी प्रांतों में स्थितियां सामान्य रही लेकिन पश्चिम बंगाल से मन को व्याकुल कर देने वाली खबरें सामने आई विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से हिंसा बेकाबू होते चली गई वह आज भी जारी है मीडिया की रिपोर्ट स्थानीय नेताओं के बयान और पश्चिम बंगाल के नागरिकों ने इस हिंसा के लिए राज्य के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है यह भी आरोप लगा है कि राज्य के सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता को उनके उच्च नेतृत्वकर्ताओं के समर्थन भी प्राप्त है भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है आप संविधान के रक्षक और इसी संविधान ने पश्चिम बंगाल के निवासियों को भारत के नागरिक होने के नाते लोकतांत्रिक रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी है
इस अधिकार को उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल के ग्रामीण मतदाताओं, अन्य राजनीतिक दलों के समर्थकों एवं तटस्थ लोगों ने अपना मतदान किया। लेकिन ऐसी खबरें एवं सूचनाएं सामने आई है कि राज्य में सिर्फ अपने मताधिकार का लोकतांत्रिक रूप से उपयोग करने की वजह से वहां के निवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके अलावा विपक्षी दलों, स्वयंसेवी संगठनों एवं सत्ताधारी दल के विरोधी निवासियों के साथ हिंसक वारदातों को अंजाम दिया गया है। राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि राज्य के निवासियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपके सामने हम कुछ घटनाओं को रखना चाहते हैं जिससे सुनियोजित हिंसा की क्रूरता पराकाष्ठा को समझा जा सके। चुनाव पर धन्यवाद।